हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलो आज हम लोग का जो डे टू है ना, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग कुछ स्पेशल यहाँ पे कुछ नए फॉर्मूलेज यहाँ पे देखेंगे, जो है कि इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, इसको आप डिराइव भी कर सकते हो। तो ये कितना होता है, ये होता है माइनस लॉग कॉस एक्स, और इसी तरीके से हमने यहाँ पे सारे फॉर्मूले लिस्ट कर दिया है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, एक बार आप इसको ध्यान से देख लो, फिर क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे। ओके, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स। बड़ा इजी सा सवाल है, आप इसको शायद मन में कर भी चुके होंगे। चलिए साथ में करते हैं फिर भी, कि यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स है, तो आप इसको लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर, कॉस नहीं यहाँ पे साइन हो जाएगा, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये रूट 2 को अपन बाहर रख लेते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स अपॉन 2, यहाँ पे 1। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये कॉसेक है, तो यहाँ पे एक लाइन और लिख देता हूँ मैं कि ये हो गया कॉसेक एक्स अपॉन 2, और यहाँ पे इस तरीके से आएगा। और आपको पता है कि कॉसेक का एक्स का क्या होता है, तो ये हो जाता है लॉग कॉसेक एक्स अपॉन 2 माइनस कॉट एक्स अपॉन 2 विथ माइनस साइन, माइनस मैं यहाँ लिख देता हूँ, और x के साथ क्या था 1/2 था, तो 1/2 भी हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और लास्ट में आता है c। ठीक है, तो ये आसान सा सवाल था, ये आपको ऑलरेडी आता होगा, तो यूं ही मैंने प्रैक्टिस के लिए इसको रख लिया है। अब यहाँ पे देखते हैं अपन कि रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स है, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 का रूट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगेन रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और साथ में है dx। देखो रूट 2 के अंदर रूट 2 है, मतलब रूट के अंदर दोनों जगह पर 2 है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ पे अपने पास क्या आ जाता है, रूट ऑफ कॉट स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा कि कॉट एक्स अपॉन 2, साथ में है dx, और कॉट का आपको पता है कि क्या होता है, ये होता है कि माइनस लॉग, हाँ तो क्या हो जाएगा कॉस, माइनस नहीं होगा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स अपॉन 2, और साथ में रहेगा 1/2 प्लस सी। 1/2 नीचे होगा तो यहाँ पे 2 ऊपर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे भी शायद गलती हो गई होगी, है ना, ये 2 कहाँ चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, और ये 2 को कैंसिल कर दीजिएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा रूट 2। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अगला है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा खास है, इसको ध्यान से देख लो, खास कैसे है, पहचानेंगे कैसे कि ये क्वेश्चन खास हुआ। देखो यहाँ पे दिख रहा है कि दो छोटे छोटे को ऐड करके देखो ये तीसरे के बराबर आ जाता है। अगर ये चीज़ बराबर आ जाए ना, तो ट्रिग्नोमेट्री में एक अपने पास नियम है कि हम इसको लिख सकते हैं कि tan 3x माइनस tan x माइनस tan 2x। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे और ये बड़ा आसान सा हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ tan 3x क्या होता है, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है, सबके साथ dx लगा दीजिएगा, अगर मैं छोड़ भी दूँ तो आप dx यहाँ पे लगाते चलना, और यहाँ हो जाएगा tan 2x और साथ में dx। तो tan का क्या होता है, tan का अभी आपने किया था, बताइए क्या होगा, माइनस लॉग, हाँ माइनस लॉग कॉस जो भी यहाँ पे था, और यहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा लॉग, माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स, और यहाँ पे फिर से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा लॉग और कॉस 2x, इसको मॉड के अंदर रखिएगा, ब्रैकेट जहाँ जहाँ दिख रहा होगा वहाँ पे, हाँ सब जगह मैंने लिखा है मॉड, और ये कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा नीचे, और लास्ट में c। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला हुआ है कि साइन एक्स माइनस ए, और नीचे है साइन एक्स, यहाँ पे है डी एक्स, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि देखो कैसे कैसे हम लोग लिख सकते हैं इसको, तो साइन का फॉर्मूला लिख देते हैं कि साइन एक्स डॉट क्या हो जाता है, कॉस ए माइनस कॉस एक्स डॉट साइन ए, ये डॉट है यहाँ पे माइनस जैसा लिख दिख रहा है, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो मैंने इसके नीचे लिखा, ये हमको दिख रहा है कॉस ए, और यहाँ हमको दिख रहा है कॉट ए कॉट एक्स सॉरी, और यहाँ पे क्या दिखेगा, कुछ मैंने गड़बड़ किया होगा, अच्छा यहाँ एक्स की जगह पे यहाँ ए होना चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा साइन ए। अब हम दोनों का इंटीग्रेशन बड़ा आसानी से कर सकते हैं, तो फटाफट इसको इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पे डी एक्स करना है, यहाँ पे भी डी एक्स करना है, तो कॉस ए क्या है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, डी एक्स का क्या होता है, एक्स होता है, तो मैंने लिख दिया एक्स कॉस
a माइनस, यहाँ पे साइन a जो है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, और इंटीग्रेशन आपको किसका करना है, कॉट का करना है, और कॉट का इंटीग्रेशन आपको पता है कितना होता है, कितना होता है, लॉग साइन x प्लस c. ओके, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया. लास्ट में फिर हम लोग देखते हैं 22nd यहाँ पे कर लेते हैं. अच्छा देखो 22nd बड़ा आसान है, कैसे, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि लेट x माइनस a इज इक्वल टू t, तो x इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, t प्लस a. तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा साइन, अच्छा dx भी आपको नहीं वो चेंज करनी है, तो मैंने लिख दिया dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दिया. अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन, x को हटा के मैं लिखने वाला हूँ t प्लस a, और यहाँ पे लिखेंगे साइन, और x माइनस a को तो हमने t बोला हुआ है, और यहाँ पे हो गया dt. अब ये देखो बहुत सिमिलर हो गया ये सवाल पुराने जैसा, सब क्वेश्चन जैसा, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे. अब हमारे पास ये बड़ा खास है, एक बार इसको आपको अगर नहीं पढ़ के गए हो ना तो आपको डिफिकल्टी आ सकती है. तो मैं इसको लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, कि मैं इसको लिख रहा हूँ कि b माइनस a साइन b माइनस a, चूँकि ये कांस्टेंट वैल्यू है तो हम कांस्टेंट को यहाँ भी लिख सकते थे, अगर मल्टीप्लाई किया है तो हम डिवाइड भी करना चाहते हैं. अब फ़ायदा क्या होगा इसका, वो हम यहाँ देखेंगे. साइन x माइनस a, और यहाँ लिख देता हूँ साइन x माइनस b, और साथ में है dx. चलिए तो यहाँ पे लिख दिया मैंने जैसा था वैसे ही, कि ये कांस्टेंट है अपने पास, और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं कि साइन मैंने लिख दिया पहले कि x माइनस b माइनस, देखो इस तरीके से अपने को यहाँ पे सजा के लिखना है, x माइनस a, बोलो ऐसे लिख देने पे कोई दिक्कत तो नहीं है, इसका मतलब भी तो b माइनस a ही होता है, देख लो x x कट जाएगा, कट जाएगा. चलो यहाँ पे आ गया इस तरीके का, और यहाँ पे आ गया x माइनस b. ठीक है, मैथ थोड़ा बोरिंग हो सकता है आपके लिए, है ना, वॉच करना, बट साथ में कीजिए सॉल्व ये पार्ट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन a माइनस बी है समझिए, तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपकी बात, साइन x माइनस a, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस x माइनस b, बस हमने यहाँ पे चेंज कर लिया. ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा नीचे में जैसा था वैसे ही, दैट इज साइन x माइनस a, और यहाँ पे आ गया साइन x माइनस b. उसके बाद क्या करने वाले हैं, तो उसके बाद अगर मैं इसके नीचे लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, क्या क्या कट जाएगा यहाँ पे, साइन x माइनस b, ये वाला चीज यहाँ से कट जाएगा, दिख रहे हो ये वाला यहाँ पे, और इधर में क्या कटेगा, इधर में जब मैं इसके नीचे लिखूंगा तो ये वाला यहाँ से कट जाएंगे, है ना. चलिए तो यहाँ पे बड़ा आराम से इस चीज़ को लिख देते हैं यहाँ पे कि साइन b माइनस a, ये तो कांस्टेंट है, हर बार कैरी होता ही चलेगा, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ये चीज़ को, कि यहाँ लिख रहा हूँ मैं cos x माइनस a, और यहाँ पे क्या बच रहा है अपने पास, साइन x माइनस a, साइन x माइनस a, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा देखो क्या क्या कट गया, ये कट गया, तो यहाँ पे बच रहा है cos x माइनस b, और यहाँ पे बच रहा होगा साइन x माइनस बी. ओके, और इसको आप सॉल्व करना मुश्किल काम नहीं है, सो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, साइन b माइनस a हो जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन जब है तो ये क्या हो गया, cot, cot का क्या होता है बताइए, cot का होता है log, और cos क्या आ जाएगा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हो जाएगा साइन x माइनस a, और यहाँ पे हो जाएगा dx, अरे अरे dx क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ गया आपके पास अगेन log और साइन x माइनस बी, एक्स माइनस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस c. ठीक है, तो ये सब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस थे. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 कंप्लीट. अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24. तो देखो क्वेश्चन नंबर 24 हम लोगों को क्या बोला हुआ है कि 2x प्लस 5 और नीचे x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7. तो आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखो ना तो कि डिनोमिनेटर को अगर आप t मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू, अगर t मान लिया हमने तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशिएशन इसका कितना आता है 2x प्लस 5, और साथ में लग जाएगा यहाँ पे dx इज इक्वल टू dt. तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो ऊपर में 2x प्लस 5 dx है इसको आप लिख सकते हो dt, और नीचे क्या आ गया t, तो आप लिख सकते हो log t प्लस c, और t की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे, आपका यही आंसर है. t कौन है, t है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 प्लस c. नेक्स्ट है 25 में आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे लिख दो आप इसको tan को लिख सकते हैं sin अपॉन cos, तो यहाँ पे आ जाएगा cos x माइनस sin x,
और नीचे आएगा साइन, लेकिन नीचे वाला साइन नीचे वाले के साइन के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और यहां पे आता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, थोड़ा फास्ट चल रहा हूं मैं, आपको समझ में आ रहा है ना ये कैसे लिखा मैंने? ओके, स्मार्ट हो आप। तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी। कॉस का क्या होता है, यहां पे होता है कॉस का माइनस साइन एक्स, और साइन का क्या होता है, कॉस एक्स, डिफ्रेंसिएशन की बात कर रहा हूं मैं। और यहां पे आ गया डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब आप देख लीजिए यहां पे माइनस में साइन है, यहां पे कॉस है, तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, डी टी, और यहां पे लिख सकते हो टी। इसका इंटीग्रेशन आपको पता है कितना होता है, ये होता है लॉग टी, और टी की वैल्यू जो आपने माना था दैट इज लॉग टी का मतलब हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। सो क्वेश्चन नंबर 25 ओवर, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। यहां पे भी आप यही चीज करने वाले हो, लेट ई पे पावर एक्स प्लस ई पे पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। इसका डिफरेंशिएशन होता है ई पे पावर एक्स, और यहां पे हो जाएगा ई पे पावर माइनस एक्स विथ माइनस साइन, यहां पे आता है साथ में डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो ऊपर वाले को आपने डी टी मान लिया और नीचे आ गया टी, उसके बाद आ जाएगा लॉग टी। लॉग टी का मतलब कितना हो गया, लॉग टी का मतलब है टी मतलब ई पे पावर एक्स प्लस ई पे पावर माइनस एक्स प्लस सी। सो ये हमारे पास आंसर है, और इस टाइप के क्वेश्चंस के साथ अब आप डील कर लोगे, है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। अभी अपने पास क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ पे दिया हुआ है कि साइन पे पावर 3 मतलब साइन क्यूब एक्स डॉट कॉस एक्स डी एक्स। तो आप यहाँ पे क्या कर लो कि लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, और इसका डिफ्रेंसिएशन देखो कितना आता है, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो आप यहाँ पे साइन एक्स को आपने मान लिया टी क्यूब, साइन एक्स का क्यूब है ना, तो यहाँ पे लिख दिया टी क्यूब, और ये जो पार्ट है अपना ये कॉस एक्स डी एक्स, इसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉस एक्स डी एक्स को हम क्या बोलते हैं, डी टी। तो हमने लिख दिया यहाँ पे डी टी। अब इसका आंसर हमको पता है, टी पे पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, और टी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, डेट इज साइन पे पावर 4 एक्स अपॉन 4 प्लस सी। आसान क्वेश्चन है ना, यहाँ पे भी सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि सेक पे पावर 4 एक्स और डिवाइडेड बाई टेन एक्स रूट ऑफ टेन एक्स डी एक्स। तो आप यहां पे क्या कर लो कि आप लिख दो कि लेट टेन एक्स इज इक्वल टू टी, टेन एक्स इज इक्वल टू टी। तो हमने यहां पे लिख दिया कि इसका डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो मैंने यहां पे लिख दिया कि सेक स्क्वायर एक्स डॉट सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन रूट ऑफ टेन एक्स। बोलो ऐसे लिख सकते हैं? यहां पे लिखने के बाद आपने देख लिया कि भाई ये वाला जो पार्ट है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको हम डी टी लिख सकते हैं, लिख दीजिए। और sec स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या है, रूट ऑफ टेन एक्स। आपको पता है कि tan को क्या लिखने वाले हो, आप t लिखने वाले हो, तो 1 प्लस टी स्क्वायर, और नीचे सबके नीचे क्या है, रूट टी, यहां पे भी रूट टी, और साथ में क्या है, डी टी। और इसका इंटीग्रेशन मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि कैसे होगा, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। यहां पे हम लोग क्या कर लेंगे कि यहां पे हमने लिख दिया कि लेट ऐसे लिखते हैं कि पहले मैं इसको लिख दूं कि कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉस बाई साइन होता है टेन। तो मैंने लिख दिया कि टेन एक्स, और एक है यहां पे कॉस पे पावर 8 एक्स, यहां पे एज इट इज बचा हुआ है। ठीक है, अच्छा, या आप एक काम कर लीजिए, इसको इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे, तो हमने यहां पे बोला कि देखो हम यहां पे लिख देंगे कि कॉस पे पावर 8 एक्स साथ में कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स, लिख सकते हैं। ओके, यहां तक लिख लिया हमने। कॉस स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और उस पे पावर कितना है, 4, और यहां पे क्या है, कॉस एक्स डिवाइडेड बाई यहां पे है साइन एक्स। अब आपको क्या करना है, अजम्पशंस लेने हैं, तो हम लोग लेते हैं यहां पे कि किसको आप क्या मानने वाले हो। तो हमने लिख दिया कि लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और इस पार्ट को अपन डी टी बोल देंगे, और बाकी जगह तो हमको पता है क्या करना है। चलिए यहां पे लिखते हैं। सो अब आप क्या करने वाले हो कि 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर पे पावर 4 डिवाइडेड बाई टी, साथ में क्या आ जाएगा, डी टी। आसान है, तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे, तो देखो अगर मुझे ये सॉल्व करना है तो मैं ऐसे लिख देता हूं कि 1 माइनस टी पे पावर 2 का स्क्वायर लिख दीजिएगा, और फिर इसके ऊपर कौन सा, पावर 2, और डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय टी डी टी, है ना। तो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है लेकिन आ जाए, जरूर जाएगा। जैसे यहां पे हमने लिख दिया कि 1 प्लस टी पे पावर 4 माइनस 2 टी स्क्वायर का स्क्वायर आपको करना है, और डिवाइडेड बाई यहां पर क्या है, टी डी टी।
सो ये कैसा हो जाएगा, ये यहां पे अपन सॉल्व कर लेते हैं, ये यहां तो कैसे हो जाएगा, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर डेट इज 4t² पे स्क्वायर, मतलब 4, यहां हो जाएगा t पे पावर 8, यहां हो जाएगा 1 प्लस 2ab, 2ab मतलब प्लस 2 टी पे पावर 4, और फिर हो जाएगा 2 × 4 विथ माइनस साइन 4t पे पावर 6, और यहां हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 × 4 विथ माइनस टी पे पावर स्क्वायर, ठीक है। सो ये पार्ट आ रहा है आपको, आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, वही फॉर्मूला हमने यहां पे यूज किया। और नीचे क्या आ जाएगा, देखो नीचे तो t है, ठीक है। सो हर जगह से t अगर आप कॉमन लेके यहां से कट कर दो ना, तो ये क्या आ जाता है, सो यहां पे देखते हैं अपन, तो ये आ जाता है यहां पे कि 4t पे पावर 3 प्लस t पे पावर 7 प्लस 1/t प्लस 2t पे पावर 3 माइनस 4t पे पावर 5 माइनस 4t का इंटीग्रेशन। और इन सब का इंटीग्रेशन बड़ा आसान है, आपको पता है कैसे होता है, तो ये आप लिख सकते हो कि 4t पे पावर 4 अपॉन 4, 4 कैंसिल, प्लस यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था t पे पावर 7, ये हो जाएगा t पे पावर 8 अपॉन 8, ये हो जाएगा log t, और ये हो जाएगा 2t पे पावर 4 अपॉन 4, यहाँ पे हो जाएगा 4t पे पावर 6 अपॉन 6 माइनस 4t स्क्वायर अपॉन 2, ये कट जाता है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी कैंसिल हो सकता है, तो आप यहाँ पे कैंसिल कर लोगे, और फाइनली लास्ट लाइन में ना आप t के वैल्यू पुट कर दीजिए, जो कि क्या लिखा हुआ है, साइन x, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है ना वो है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स पे का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आप लिख देना कि ए प्लस बी एक्स इज इक्वल टू टी, मतलब डिनोमिनेटर को अपने अपन ने क्या मान लिया, यहाँ पे टी मान लिया बिना उसके पावर का, ठीक है। सो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि x कितना आएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि देखो bx इज इक्वल टू होता है t माइनस a, और x इज इक्वल टू होता है कि t माइनस a अपॉन b, ओके। सो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन b और dt, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, हमने यहाँ पे लिखा कि देखो x स्क्वायर अपने को चाहिए, तो हम लिखेंगे कि t माइनस a अपॉन b का होल स्क्वायर, और dx की जगह पे क्या लिखने वाले हो, 1 अपॉन बी डी टी, और नीचे क्या लिखने वाले हैं, नीचे लिखने वाले हैं कि t का स्क्वायर। चलो ये अपने पास क्वेश्चन बन के आया है, और अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो यहां पे हो जाएगा बी स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा बी क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन बी क्यूब बाहर, और यहां पे आ जाएगा t माइनस a का होल स्क्वायर, और यहां पे आता है t का स्क्वायर, और साथ में क्या है dt। अब इसको सॉल्व करना मुश्किल काम नहीं है, सो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 अपॉन बी क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस ए अपॉन टी का होल स्क्वायर। बोलो ये समझ में आता है, ठीक है, ये समझ में आता है। सो आप इसको चाहो तो ऐसे करके इंटीग्रेट कर सकते हो कि 1 अपॉन बी क्यूब, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और माइनस 2a अपॉन टी का इंटीग्रेशन, और ये इंटीग्रेशन जो है कितना आ जाएगा, 1 अपॉन बी क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1 का होता है t, और ये वाला हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पे टी स्क्वायर था, सॉरी यहाँ पे b लिख दिया मैंने, ओके तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा माइनस 1 अपॉन टी, फिर यहाँ पे आता है माइनस 2a log t ब्रैकेट क्लोज एंड लास्ट में c। अब आप t की वैल्यू यहाँ पे पुट करना चाहते हो, तो 1 अपॉन बी क्यूब, और यहाँ पे t की वैल्यू अपन आराम से सब कुछ यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि a प्लस बी एक्स, और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन a प्लस बी एक्स माइनस 2a log a प्लस बी एक्स ब्रैकेट क्लोज एंड लास्ट में c। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 तो कंप्लीट हुआ, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पे tan x को ना t मान लेते हैं, ये x है यहाँ पे tan x, तो लेट tan x इज इक्वल टू t, तो क्या हो जाएगा इसका डिफ्रेंसिएशन, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि t स्क्वायर, और एक sec स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर, tan को अपन t बोलते हैं, तो मैं इस तरीके से लिख दिया, और यहाँ पे बन जाता है अपना dt, ओके। तो ये बन गया t स्क्वायर, और ये बन गया t पे पावर 4, और इन दोनों का इंटीग्रेशन बड़ा आसानी से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, ये होगा t पे पावर 3 अपॉन 3, और ये हो जाएगा t पे पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। t का मतलब है यहाँ पे tan
tan पे पावर क्यूब और यहाँ पे 3, यहाँ पे हो जाएगा tan पे पावर 5 x और यहाँ पे 5 प्लस सी। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 32 भी हम लोग देख लेते हैं, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। इसमें अपना क्या कर लो कि sec स्क्वायर को यहाँ रख लो, एक sec स्क्वायर को इस तरीके से लिख दो, एक sec को अपन कन्वर्ट कर लेते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर x और यहाँ पे आ गया sec पे sec स्क्वायर x dx। और यहाँ पे फिर से आपको क्या करना है कि अज्यूम कर लेना है कि tan x इज इक्वल टू t होता है, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x साथ में dx इज इक्वल टू dt। सो आप यहाँ पे लिख पाओगे 1 प्लस t स्क्वायर और dt, और इसका इंटीग्रेशन भी अगेन आसान है, तो आप क्या लिखेंगे, t प्लस t पे पावर 3 अपॉन 3, t का मतलब है tan, tan x हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस tan पे पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 32 भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33। देखो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोलता है कि 1 अपॉन रूट ऑफ साइन क्यूब एक्स डॉट कॉस पे पावर 5x। तो देखो यहाँ पे क्या कर लो आप ना, कि मैं रूट के अंदर ही क्या कर रहा हूँ कि इसको बना रहा हूँ साइन पे पावर क्यूब एक्स और डिवाइडेड बाई कॉस पे पावर क्यूब एक्स, और साथ में क्या था यहाँ पे cos पे पावर 5x था। चूंकि मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है एक्स्ट्रा वर्क, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ करने के बाद ना आप क्या कर सकते हो कि इसको मैं लिख सकता हूँ 10 और ये हो जाएगा 8, 8 पे पावर 1/2 है, तो ऊपर जाके बन जाएगा ये sec पे पावर 4x साथ में है dx, और यहाँ पे हो जाएगा ये tan पे पावर कितना 3 साथ में x। यहाँ तक लिख सकते हैं, ओके। तो अब क्या हो जाएगा कि यहां पे आप लिख सकते हो कि लेट tan x इज इक्वल टू t, तो ये क्या बन जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू क्या dt। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि 1 प्लस tan स्क्वायर है ना, पता है ये सब बातें, अब हम लोग सीख गए कि tan पे पावर 4 है तो एक बार स्क्वायर लिख देंगे, दूसरी बार भी स्क्वायर लिख देंगे, एक जो है tan sec स्क्वायर को अपन कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, tan के फॉर्म में। तो मैं आपको लिख के बताता हूं कि मैं यहां पे लिख रहा हूं कि t स्क्वायर और यहां पे साथ में लिख रहा हूं dt, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा t पे पावर 3 अपॉन 2, और इस चीज को हम यहां पे सॉल्व करते हैं, चलो यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास अब कि t पे पावर माइनस 3 अपॉन 2 प्लस t पे पावर 1 अपॉन 2 का इंटीग्रेशन अब अपने को करनी है विथ रिस्पेक्ट टू dt। सो कितना हो जाएगा, पावर एक ऐड हो जाता है तो 1 ऐड अगर हो जाएगा तो यहां पे हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2, और माइनस यहाँ पे 2 भी यहीं पे, यहाँ 1 आता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टी पे पावर 3/2, सो 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे प्लस सी। लास्ट में आपको क्या करना है, टी की वैल्यू पुट कर देनी है, तो आंसर है हमारे पास tan x पे पावर कितना माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 tan x पे पावर 3 अपॉन 2 और साथ में है 3 प्लस सी। आप चाहो तो ये 1/2 को रूट में लिख सकते हो, तो आपको लिखना होगा यहाँ पे इस तरीके से कि tan x प्लस 2 अपॉन 3 और tan पे पावर 3 अपॉन 2 x प्लस सी। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चंस हो जाएंगे सॉल्व। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 34 ये इधर यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 34 में हम लोग को बोला हुआ है कि ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है और हम लोग इसको भी यही फॉर्म में लिखना चाहते हैं कि ये क्या बन जाए, tan वगैरह बन जाए। तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे cos से डिवाइड कर दिया, कितना cos से, तो cos पे पावर 3x से, तो cos पे पावर 3x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो देखो क्या बन के आता है हमारे पास, नीचे हमारे पास बन के आता है tan पे पावर 3x और ऊपर जाके cos स्क्वायर बन जाएगा sec पे पावर 4x dx। ठीक है, तो अब आप लिख सकते हो यहाँ पे कि 1 प्लस tan स्क्वायर x और साथ में आप एक sec स्क्वायर को एज इट इज जाने दीजिए क्योंकि वो हम लोग को डिफरेंशिएशन का पार्ट बन जाएगा, और यहां पे लिख दिया हमने tan क्यूब x। फिर आपने वही चीज किया, आपने बोला है कि लेट tan x इज इक्वल टू t, फिर हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, और आप लिख सकते हो कि ये बन गया है अपना dt, यहां पे आ जाएगा 1 प्लस t स्क्वायर और नीचे आ जाएगा अपने पास t का क्यूब। तो फाइनली 1 अपॉन t क्यूब प्लस 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन साथ में रहेगा dt, यहाँ पे भी है dt, और यहाँ पे आपको थोड़ा क्लियरली लिख देता हूँ ये 1 है। सो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा t पे पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा log t प्लस c। सो फाइनली t की वैल्यू आप चाहो यहाँ पे तो पुट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा यहाँ पे tan पे पावर माइनस 2 x
डिवाइडेड बाई माइनस टू और यहाँ पे आ जाएगा log tan x प्लस सी। ठीक है, सो यहाँ पे ये पार्ट अपना 34 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, फिर देखते हैं आगे।